अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तैयार करेंगे गिले बोमिल फ्राई, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी, जैसे कि आप आवाज़ सुन सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा केजी गीले बोमिल लिए, उसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया, उसकी मुंडी, साइड के पग, पीछे की धूम मैंने अच्छे से कट कर लिया है। सभी बोमिलों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और अच्छे से धो लिया है। अब एक टॉवल के ऊपर हम इस बोमिल को रख देंगे। इस तरह हम लाइन से रखते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैं किस तरह रख रही हूँ, इसी तरह आप एक के ऊपर एक रखें ताकि उसके ऊपर दबाव पड़े। उसके ऊपर बाकी का टॉवल ढक देंगे और उसे अच्छे से फोल्ड करके दबा देंगे और उसके ऊपर हम वज़न रख देंगे। इस तरह हम ज़्यादा वज़न रख देंगे, कम से कम आधे से एक घंटे के लिए हम इस पर रख देंगे। एक घंटा हो चुका है, उसके ऊपर से हम निकाल लेंगे। हमारे बोमिल भी अच्छे से सूख चुके हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सब बोमिल एक बाउल में निकाल लिए। अब उसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल तीखी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 नींबू। नींबू हमें ज़्यादा रस वाला चाहिए। 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच बेसन। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब बोमिलों को अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ज़्यादा सूखा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, उसे अच्छे से हम कोट कर लेंगे। इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसे हम ढक देंगे आधे से एक घंटे के लिए। आपके पास जितना भी टाइम हो उतनी दे। एक कढ़ाई में तेल रख दिया है, बोमिल हम उसमें एक एक करके डालते जाएंगे। बस इस तरह हम उसमें बोमिल डाल देंगे। जब तक इसका अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे चम्मच से नहीं हिलाएंगे। इसका कलर चेंज हो गया है, अब इसे हम आराम से हिला लेंगे वरना हमारे बोमिल टूट सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से आराम से पलट देंगे वरना ये टूट भी सकते हैं। बहुत ही आराम से उसे पलट देंगे और जो चिपक चुके हैं उसे थोड़े धीरे धीरे आराम से हम उसे अलग कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह हमारे बोमिल फ्राई हो गए। इसी तरह अब हम दूसरे भी बोमिल फ्राई कर लेंगे और उसे भी हम 2 मिनट तक अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये भी बोमिल हमारे बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गए। चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना, कितनी अच्छी तरह हमारे बोमिल फ्राई हो गए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते। तैयार हो गए हमारे गीले बोमिल। आप आवाज़ भी सुन सकते हो कितने क्रिस्पी तैयार हुए। तैयार हो चुके हैं हमारे गीले बोमिल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।